क्वेश्चन नंबर टू अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर ऑफ रेड पिगमेंट विद एट पार्ट्स ऑफ बेस तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि एक रेड पिगमेंट जैसे हम वाटर कलर बनाते हैं तो उसमें रेड कलर को मिक्स करते हैं वाइट कलर के साथ जो जो वाइट कलर होता है उसको यहाँ पे बेस की तरीके से कहा जा रहा है तो जैसे हम पिंक कलर बनाते तो थोड़ा सा रेड लेते हैं और वाइट सो वन पार्ट ऑफ रेड कलर एंड एट पार्ट्स ऑफ द बेस यानी वाइट कलर अगर हम लेते हैं तो आगे के जो भी हमें प्रोपोर्शंस बनाने हैं वो इसी स्टैंडर्ड रेशियो को साथ में लेकर बनाने हैं दैट मीन्स कि अगर हम रेड कलर का क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो जो बेस है उसका क्वांटिटी भी हमें बढ़ाना पड़ेगा अब वो कितना होगा वो हमें फाइंड करना है अगर हम रेड कलर फोर लेते हैं तो बेस कितना होगा रेड कलर के अगर हम सेवन पार्ट्स लेते हैं तो बेस कितना होगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो प्रॉब्लम हमें दी गई है जो क्वेश्चन दिया गया है वो डायरेक्ट प्रपोर्शन के रिलेटेड है कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी जो अननोन वैल्यूज हैं बेस की उनको हम यहाँ मान लेते हैं जैसे कि फर्स्ट वैल्यू उसको एक्स वन और बेस की वैल्यू वाई वन रेड पिगमेंट ये एक्स टू और ये वाला वाई टू इसी तरीके से ये वैल्यू एक्स थ्री ये वाई थ्री मान लेते हैं ये एक्स फोर ये वाई फोर और ये वैल्यू को हम एक्स फाइव और ये वैल्यू को वाई फाइव मान लेते हैं जब हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम जानते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो रेशियोज विल बी कॉन्स्टेंट यानी एक्स वन अपॉन वाई वन विल बी इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू तो इसी तरीके से रेशियोज़ को हम कॉन्स्टेंटली इक्वल रखते हुए बाकी की जो अननोन वैल्यूज हैं उनको हम फाइंड इजीली कर सकते हैं एक्स वन है हमारा वन वाई वन है एट एक्स टू फोर वाई टू हमारे लिए वाई टू अननोन वैल्यू है अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई टू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सो so, y2 टू इंटू वन दैट इज़ वाई टू फोर इंटू एट तो विल बी थर्टी टू तो हमारी पहली जो अननोन वैल्यू है y2 वो मिल जाती है हमें 32 ऐसे ही अब हम दूसरी वैल्यूज फाइंड करते जाते हैं हमें स्टैंडर्ड वैल्यू जो फर्स्ट रेशियो है फर्स्ट रेशियो को स्टैंडर्ड लेके चलना है x1 वन अपॉन वाई वन अब दूसरे वैल्यू जो अननोन है वो y3 है तो वहां के लिए हम x3 थ्री अपॉन वाई ले सकते हैं x1 का वैल्यू अगेन वन y1 का वैल्यू एट x3 का वैल्यू सेवन है y3 हमारे लिए अननोन है अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y3 थ्री वन जा वाई थ्री सेवन इंटू एट दैट विल गिव अस y3 थ्री इक्वल्स टू फिफ्टी सिक्स हमारी सेकेंड अननोन वैल्यू मिल जाती है हमें थर्ड अननोन वैल्यू है हमारी y4, फर्स्ट रेशियो को हम स्टैंडर्ड रेशियो लेके चलते हैं तो एक्स वन वाई वन एक्स वन अपॉन वाई वन इक्वल्स टू एक्स फोर अपॉन वाई फोर एक्स वन हमारा वन वाई वन एट एक्स फोर ट्वेल्व है वाई फोर नहीं पता हमें अननोन वैल्यू है अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वाई फोर इक्वल्स टू ट्वेल्व इंटू एट सो वाई फोर की वैल्यू मिल जाती है हमें नाइंटी सिक्स सो दिस इज अवर थर्ड अननोन वैल्यू इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ अननोन वैल्यू के लिए डेट वैल्यू इज वाई फाई स्टैंडर्ड रेशियो एक्स वन अपॉन वाई वन अब दूसरा जो रेशियो एक्स फाई अपॉन वाई फाई एक्स वन वन है वाई वन एट है एक्स फाई का वैल्यू ट्वेंटी वाई फाई अन है क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं सो वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी इंटू एट सो इक्वल्स टू वन सिक्सटी ये हमारी फोर्थ अननोन वैल्यू मिल जाती है